हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की तो लेक्चर सीरीज चल रही है। उस लेक्चर सीरीज के अंदर कल की डेट में हमने लेसन नंबर फर्स्ट के जो आंकिक प्रश्न थे, उन आंकिक प्रश्नों को हमने पूर्ण से हल करके हम लेसन नंबर फर्स्ट को समाप्त कर दिया था। आज हम जो क्लास 12th का लेसन नंबर 2 है, जिसका नाम गॉस के नियम और उसके अनुपयोग, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो मैं गॉस के नियम और उसके अनुपयोग के दो लेक्चर करवा चुका हूँ। उन दो लेक्चर के अंदर हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, वो था विद्युत फ्लक्स, और दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 के अंदर, वो हमने देखा था, उसमें लिखा था हमने सतत आवेश वितरण के बारे में। उन दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। मैं उम्मीद करता हूं जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं और बाहर के जो स्टूडेंट हमारे टच में, उन्होंने बहुतों ने वीडियो देखा उसको, तो उस टॉपिक को एक बार मैं आपको राय देता हूं कि आप उस टॉपिक को दोबारा से देखें, दोबारा से समझें, ताकि जब आज का जो लेक्चर नंबर 3 जो लेक्चर नंबर 2 का है वो स्टार्ट करूं, तो आप उससे पहले अगर किसी ने देख के नोट्स बना लिए तब तो अच्छी बात है, और नहीं बनाए और नहीं देखा तो आप पहले उन दो वीडियो को देखें, तब ही आप इस तीसरे वीडियो को देखना, ठीक है? वरना इसका कोई मतलब नहीं रहेगा और इसका कोई सेंस भी नहीं रहेगा। हालांकि बेटा ये चीज टॉपिक समझ में आ जाएगा, पर उसके बिना आपको कुछ अधूरा लगेगा, क्योंकि उस तो दोनों टॉपिक का इंपोर्टेंट रोल जो है लेक्चर नंबर 3 के अंदर। लेक्चर नंबर 3 के अंदर एक ऐसा टॉपिक आज मैंने आपके लिए लेके आया हूं, जो टॉपिक हर साल बोर्ड में आने की संभावना रहती है। प्रत्येक ईयर या तो इसका नियम पूछा जाता है या इसके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। क्या है उस नियम के अंदर जो हर साल बोर्ड के अंदर आता है, और क्या उस चीज के अंदर है जो चीज हम क्या फिजिक्स में उस चीज का क्या यूजेस है, हम उस चीज के बारे में भी देखेंगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू और बेसिक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, हम दोनों के अनुसार उस चीज को एनालिसिस करते हुए, उस चीज का गहनतापूर्वक अध्ययन करते हुए हम आगे चले। चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर सीरीज को और आगे बढ़ते हैं। और प्लीज आगे की लेक्चर सीरीज को देखने के लिए आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को भी पूरा देखें, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जिन विद्यार्थियों के डाउट है कि सर इनकी जो हमारे पास नोट्स नहीं है, तो इनका जो नोट्स है, जो लेसन नंबर 2 के पीडीएफ और जो बुक की जो पीडीएफ हमारे पास है, एनसीईआरटी की है और दो बुक्स और इधर इसके अलावा भी आरबीएससी की, उसकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी जाएगी आज शाम तक या कल तक, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर सीरीज को और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गॉस का नियम, या इससे दूसरा नाम है गॉस की प्रमेय, या इस विद्युत के लिए गॉस की प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक एक फ्लक्स से रिलेटेड है। एक टॉपिक किससे रिलेटेड है? विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। तो गॉस का नियम क्या कहता है बेटा, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जो टॉपिक मुझे अच्छे लगेंगे उनको मैं यहाँ पे लिख करके आपको समझा दूंगा, जिससे उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो। तो अगर आपको लिखकर समझाना अच्छा लगे तो बताना, अगर आप कहोगे सर जी आप पूरा लिख के समझाओ हमें बोर्ड पे, या तो लिखा हुआ मिलेगा मैं आपको समझा दूं उस टॉपिक के अनुसार, या मैं लिखकर समझाऊं पूरा दोबारा से, तो उसके बारे में भी आप कमेंट जरूर करना। तो गॉस का नियम क्या कहता है बेटा, सुनना। गॉस का नियम कहता है कि एक मुक्त आकाश में, मैं पहले कथन देता हूं, मुक्त आकाश में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फलक्स उसके आयतन में परिबद्ध कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का गुणनफल के तुल्य होता है। ये कहता है बेटा मुक्त आकाश में किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फलक्स उसके आयतन में परिबद्ध कुल आवेश वह 1/ε0 जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसका 1/ε0 के क्या होता है बेटा, गुणनफल के तुल्य होता है। समझना इस टॉपिक को क्या कह रहा है। सपोज करो एक मुक्त आकाश में एक बंद पृष्ठ, उस बंद पृष्ठ के अंदर जो चार्ज है
समेशन क्यू, समेशन क्यू चार्ज को मैं लिख देता हूँ समेशन क्यू इन साइड। इनका मतलब क्या है, उस बंद जो पृष्ठ बना हुआ हमारे पास उसके अंदर आवेश, तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना है, निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को देखा जाए हमारे पास, वो हमारे पास फाई होगा, फाई ई कह सकते हो, फाई ई जो होगा उसके आयतन में परिबद्ध कुल आवेश, उसके आयतन में परिबद्ध कुल आवेश वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, गुणनफल के तुल्य होता है। तो यहाँ पे इनसाइड का मतलब जो हमारे पास जो बंद पृष्ठ बना है उसके वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम के अंदर मतलब समझना, इसका बंद करो मैं इसको समझने के लिए आप ले सकते हो कि प्याज के अंदर कोई सेंटर पे चार्ज पड़ा है तो उसके आयतन में कितना चार्ज है, या प्याज की जो ऊपर की लेयर है उस ऊपर की लेयर के अंदर जितना भी चार्ज होगा उसके आयतन में होना चाहिए वो चार्ज, तब उस चीज की फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, फाई ई जो होगा वो कितना होगा, समेशन क्यू इनसाइड अपॉन में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास गॉस का नियम का जो कथन है वो हमारे पास ये। अब हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखिए वो हमारे पास कितनी होगी, इस बंद पृष्ठ, देखो ये जो पृष्ठ बंद बंद है इसलिए ये जो इस इंटीग्रल का मतलब है क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस, ये जो इंटीग्रल किसके लिए लागू होता है, क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए, वो कितना होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। समेशन दे दीजिए, इक्वेशन दे दीजिए दो बेटा, ये भी इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है वो तो गॉस के नियम से निकाला गया है, और विद्युत फ्लक्स से जो इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स है वो कितना होता है हमारे पास, ये होता है। तो ये भी फ्लक्स है, ये भी विद्युत फ्लक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड की तुलना करने पर, तुलना करने पर देखा जाए तो कितना आएगा, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर कितना आएगा, समेशन क्यू इनसाइड अपॉन में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसे दे दी क्वेश्चन नंबर थ्री। ये हमारे पास जो आई है वो है स्थिर विद्युतकी के लिए, स्थिर वैद्युतिकी के लिए गॉस की समीकरण, या इसका दूसरा नाम जो है बेटा वो मैं लेसन नंबर जो हमारे पास 10 होगा उसके अंदर हम यूज करेंगे, उसे बोलते हैं मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मैक्सवेल। अब एक बात सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो हमारे पास जो स्थिर विद्युतकी के लिए गॉस की समीकरण आई है, वो गॉस की समीकरण जो है इसके बाद का जो लेसन का पार्ट है वो सारा इसी इक्वेशन पर आधारित है। जिसको ये फंडा समझ में आ गया वो आगे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में आसानी रहेगी, जो आगे की लेक्चर सीरीज आएगी जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग आएंगे इस पार्ट का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें सारे में यही समीकरण आधार देगी। इसमें हम LHS निकालेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा से, RSS जो है वो गॉस के नियम से निकालेंगे, दोनों को बराबर निकालेंगे, और दोनों को बराबर करके हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे हमारे इस पाठ के अंदर जो मेन मुद्दा है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, वो भी किसके लिए, सतत आवेश वितरण के लिए, सतत आवेश वितरण के लिए। तो इस समीकरण की सहायता से हम क्या करेंगे, हम इसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले जो गॉस का नियम था वो आपको दोबारा से बता देता हूं, ये कहता है मुक्त आकाश में स्थित किसी बंद पृष्ठ से विद्युत कुल फ्लक्स जो होता है उसके आयतन में परिबद्ध कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के क्या होता है, तुल्य होता है। अब अभी हमने क्या लिया, मुक्त आकाश, मतलब ये जो मुक्त आकाश है वो मैं एक बार के लिए कह सकता हूं ये निर्वात की बात हो रही है, ठीक है। अगर माध्यम निर्वात नहीं है, यदि माध्यम निर्वात नहीं हो तो, अगर मीडियम वैक्यूम नहीं है तो उस स्थिति में गॉस का जो नियम होगा फ्लोर मीडियम के लिए
वो हो जाएगा हमारे पास समेशन क्यू उसके इनसाइड इस क्लोज सरफेस के इंटर की सतह से अपॉन में एप्सिलॉन। हमने जाना है कि जो एप्सिलॉन होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए किसी भी मीडियम में फ्लक्स जो होता है वो समेशन क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये जो टर्म है वो क्या बना देगा हमारे पास वैक्यूम के लिए कह सकता हूँ। अभी जो हमारे पास इनसाइड आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो वैक्यूम के लिए आया है तो इसको मैं फाइव नॉट लिख सकता हूँ। तो फाइव नॉट वैक्यूम अपॉन देखा जाएगा मीडियम हो जाएगा। ये हमारे पास समीकरण दे दी चार। अब जो निर्वात के लिए समीकरण है, निर्वात के लिए लिए गाउस का जो नियम है, गाउस का नियम वो नियम हमने देखा कितना होता बेटा फाई ई कह सकते हो या फाई के फाई कह सकते हो, वो कितना होता है समेशन क्यू इनसाइड अपॉन में कितना होता है एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको कूलाम स्थिरांक जिसे बोलते हैं कूलाम नियतांक, क्या बोलते हैं कूलाम नियतांक, नियतांक के पदों में लड़ाता हूं। कूलाम नियतांक कितना होता है के बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखो बेटा कि वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट दो किसके बराबर होगा फोर पाई और किसके बराबर आएगा के इक्वल आएगा। तो अगर ये फोर पाई के इक्वल है तो यहां पे देखो बेटा जो यहां पे एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में आ रहा है मतलब वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख सकता हूं फोर पाई के। तो गाउस के नियम का एक रूप और हो गया कि फोर पाई के समेशन क्यू इनसाइड, ये गाउस के नियम का अन्य फॉर्म आ गया जहां पे ये जो के है वो क्या है कूलम स्थिरांक जिसका मान होता था निर्वात के लिए 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मिलता होता है कूलम स्क्वायर होता। ये हमारे पास गाउस का नियम है। अब हम गाउस के नियम को चर्चा करने के बाद हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे गाउस के नियम को पढ़ने के लिए जो इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उस पॉइंट ऑफ व्यू पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास गाउस के नियम के गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य में आपने कुछ पॉइंट के बारे में लिख दिया जिसको एग्जांपल के थ्रू समझाना हमारा काम रहेगा। ठीक है, अगर ये लिखने का प्रोसेस आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो और नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो कि सर नहीं लगा आप दोबारा से लिख के पूरा समझाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में। पहला तथ्य हमारे पास क्या कह रहा है सीजीएस पद्धति में के का जो वैल्यू होती है, के की जो वैल्यू होती है 1/4 ε₀ और ये कितना होता है 1 के इक्वल होता है। अगर ये 1 के इक्वल है तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं बेटा ε₀ का मान या 1/ε₀ निकाले तो 1/ε₀ कितना हो जाएगा 4 पाई के बराबर हो जाएगा। अब यदि एक कूलम आवेश, यदि 1 कूलम क्यू बराबर कितना 1 कूलम आवेश किसी बंद पृष्ठ में, किसी बंद पृष्ठ में, बंद पृष्ठ में स्थित हो, अगर बंद पृष्ठ में स्थित हो 1 कूलम आवेश तो फाई बराबर कितना हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और क्यू कितना है 1 कूलम एप्सिलॉन नॉट ये कितना हो जाएगा 1/ε₀ नॉट किसके बराबर है 4 पाई के इक्वल है तो प्लस कितना हो जाएगा 4 पाई के इक्वल हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि गाउस का नियम केवल उन क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना नहीं करता, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण कह सकते हो, अगर व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना नहीं करता या कह सकता हूं उसका जो बल है जो उसको ओरिजिन करता है वो भी अगर व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना नहीं कर रहा तो गाउस का नियम सत्य नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। गाउस का नियम केवल उन क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है, पहला हमारे पास क्षेत्र जो होता है वो है गुरुत्वीय क्षेत्र, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए भी गाउस का नियम होता है वो तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र जिसमें हमने कूलाम बल पढ़ा है, दूसरा बल उसमें व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना तो गाउस का नियम आएगा। तीसरा नियम तुम्हारे गाउस का आएगा मैग्नेटिज्म में, क्योंकि मैग्नेट के बीच में जो बल लगता है जैसे कभी चुंबक के NN पोल को पास लगे तो प्रतिकर्षण होता है, NS को पास लगे तो आकर्षण होता है, तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण जो होता है मैग्नेट के अंदर उसमें भी क्या होता है ये बल जो विद्युत वर्ग के नियम की पालना करता है, अतः वहां पर भी क्या आएगा एक गाउस का नियम आएगा, वो होता है चुंबकीय के लिए गाउस का नियम और ये जो होता है विद्युतीय के लिए क्या होता है गाउस का नियम होता है। और हाँ बेटा वो जो होती है वो मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण होती है, ध्यान रखना इसके बारे में।
अब गॉस का नियम जो होता है बेटा वो सतत आवेश वितरण के लिए लागू होता है, जबकि कूलाम का जो नियम होता है वो पर्टिकुलर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। जबकि हमने कूलाम का नियम जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर सीरीज में लेसन नंबर फर्स्ट के अंदर, उसमें देखा था हमने कि स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच में, जबकि गॉस के नियम ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि स्थिर बिंदुवत होना चाहिए। उसने तो कह दिया बंद पृष्ठ के अंदर कितना भी चार्ज है उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे निर्गत फ्लक्स होगा वो समेशन के ऊपर में वितरण आती है एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होना चाहिए। अगला हमारे पास कह रहा है कि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश जो होता है उसका मान बीजगणित विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो हमारे पास एक क्लोज सरफेस ले लिया, इस क्लोज सरफेस के अंदर इधर ले लिया प्लस 5 क्यू, इधर ले लिया प्लस का 6 क्यू, और इधर ले लिया प्लस का 7 क्यू, इधर ले लिया माइनस का 2 क्यू, इधर ले लिया माइनस का 5 क्यू, इधर ले लिया माइनस का 3 क्यू। तो जो समेशन चार्ज है समेशन क्यू इन साइड मतलब के अंदर वो कितना होगा, प्लस का 5 क्यू, प्लस का 6 क्यू, प्लस का 7 क्यू, माइनस का 3 क्यू, माइनस का 5 क्यू और माइनस का 2 क्यू। अगर जोड़े पूरा तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 6 5 11 और ये कितना आ जाएगा 18 क्यू 18, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 3 8 और 2 कितना हो गया 10, जोड़ने पर कितना आ जाएगा 8 क्यू चार्ज हो जाएगा। ओके वरना आप देखो तो प्लस 5 क्यू से प्लस 5 क्यू कट जाएंगे और ये कितना 3 2 5 इसमें से घटाए तो कितना जाएगा 1 बच जाएगा यहाँ पर, तो 8 क्यू हो जाएगा। अब एक जो पॉइंट है वो मैं ये लिख देता हूँ, वो स्टार बनाकर लिख रहा हूँ क्योंकि आगे पॉइंटों की सीक्वेंस पूरी बनी हुई है, आप चाहो तो उसको पॉइंट दे देना ताकि आगे बाद नंबर चेंज कर ले। गाउसियन पृष्ठ के, ये हमारे पास जो पृष्ठ है गाउसियन पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश का विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। तो गाउसियन पृष्ठ के जो बाहर चार्ज प्रेजेंट है, सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज मैंने रख दिया 10 क्यू प्लस का, तो एक यहाँ रख दिया 12 क्यू वो भी माइनस का, तो इन चार्ज को आपको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि उसने कहा है कि बंद पृष्ठ के आयतन में परिबद्ध कुल आवेश, जो हमारे पास क्लोज सर्फेस है उसके अंदर कितना चार्ज है वो हमें चाहिए। अगला हमारे पास देखा जाए वो कहता है गॉस के नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसका भी समझते हैं, मैंने त्रिभुज ले लिया, इस त्रिभुज टाइप की आकृति बनाई, इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, एक मैंने क्या कर दिया इरेगुलर शेप बना दिया उसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, एक मैंने घन बना दिया इस घन के अंदर भी क्या रख दिया हमने प्लस क्यू चार्ज बना दिया, ये प्लस क्यू चार्ज, एक मैंने क्या बना दिया बेटा गोला बना दिया, गोले के अंदर भी कर दिया प्लस क्यू चार्ज। तो प्रत्येक स्थिति में जो फ्लक्स होगा वो समेशन के ऊपर एप्सिलॉन नॉट ई होगा, वो उसके पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अगला हमारे पास देखो क्या कहता है बेटा कि बंद पृष्ठ निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है उसके आयतन में परिबद्ध कुल आवेश के वितरण पर भी निर्भर नहीं करता। मतलब कैसे, सपोज करो मैंने दो आवेश वितरण लिए, एक ये और एक ये ले लिया, इधर देखो बेटा इसमें जो चार्ज है वो है 1 क्यू और इधर कितना चार्ज है बेटा वो भी कितना है 1 क्यू, बट इधर जो चार्ज है वो हाफ क्यू, इधर हाफ क्यू प्लस का, इधर हाफ क्यू प्लस का और इधर भी क्या रखा है हाफ क्यू, यह सुन सकता हूं बेटा 5 इधर ले लिया मैंने 5 सॉरी 3 5 और इधर कितना ले लिया मैंने 4 क्यू और इधर कितना ले लिया मैंने माइनस का 4 क्यू और इधर ले लिया माइनस का 2 क्यू। समेशन क्यू निकालो बेटा पहले इसके लिए वापस बीजगणित विधि द्वारा, तो कितना होगा 2 क्यू चार्ज, इधर भी कितना हो जाएगा समेशन क्यू वो हो जाएगा हमारे पास 8 क्यू, 8 क्यू माइनस ये कितना आ जाएगा 6 क्यू, तो कितना बचेगा प्लस का 2 क्यू। तो इस प्रश्न निकट प्लस का मान भी कितना होगा 2 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इस प्रश्न रिलेटेड जो चार्ज होगा फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो भी कितना होगा 2 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहां समेशन क्यू क्यू के बराबर है तो ये कितना देगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आज अगला जो सातवां पॉइंट है वो कह रहे हैं बंद प्रश्न निकट विद्युत फ्लक्स का मान उसके आयतन में स्थित आवेश जो उसकी स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता। मतलब कैसे, अगर एक गोला ले लिया, एक गोला मैंने यहाँ पे बना लिया, इन दोनों गोलों को समझना बेटा एक चार्ज यहाँ सेंटर पे प्रेजेंट है प्लस क्यू, तो भी फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज अगर यहाँ स्थित है तो भी फ्लक्स कितना होगा
क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी होगा, उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। अगला हमारे पास है बंद प्रश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान माध्यम की प्रकृति पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर मीडियम में जो फ्लक्स की बात करें तो मीडियम फ्लक्स कितना होता है, समेशन क्यू अपॉन में कितना होता है एप्सिलॉन, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और यहाँ पे देखा जाए तो ये जो होता है निर्वात के लिए होता है, तो मैंने पहले करवा दिया। तो मीडियम में जो फ्लक्स होता है वो निर्वात बटे में उस माध्यम के परावैद्युतांक के अनुपात के क्या होता है, तुल्य होता है। अब आगे देखें कि गाउस का नियम जो होता है बेटा वो स्थिर और गतिशील दोनों आवेश के लिए वैलिड हो सकता है। अगर चार्ज झुका हुआ है तो भी गाउस का नियम लगेगा, अगर चार्ज चल रहा है तो भी क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि गाउस का जो नियम है वो मैग्नेटिज्म में भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है। तो अगर चार्ज मोशन कर रहा है तो हमें उसके आयतन में परिबद्ध कुल आवेश चाहिए, और कुल आवेश जो होता है वो निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है। चाहे वो गति कर रहा होगा तो भी उतना ही होगा, और चाहे वो रुका हुआ होगा तो भी उतना ही होगा। इसका मतलब आवेश अगर निर्देश तंत्र से स्वतंत्र है तो गाउस के नियम में हमने पढ़ा है कि जो आता है समेशन क्यू अपॉन में क्या आता है एप्सिलॉन नॉट। अगर एक चार्ज निर्वात में गति कर रहा है लाइट की स्पीड से या लाइट से कम थोड़ा भी, और एक चार्ज रुका हुआ है, दोनों का चार्ज जो है बेटा 5 कूलम है, बेटा गाउस का नियम दोनों के लिए क्या लगेगा, सेम लगेगा। जबकि कूलम का नियम जो है बेटा वो स्थिर बिंदुवत आवेश के बीच में ही लगता। इसके बाद के आगे का पॉइंट चलते हैं गाउस के नियम के जो महत्वपूर्ण तथ्य में, अगला तो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट कहता है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद परस से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। क्योंकि जब वो शून्य कैसे होता है, जितना एंटर करता है फ्लक्स उतना ही निकल जाता है। सपोज करो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या है, एक वस्तु स्थित है, तो इस वस्तु से निर्गत क्या है कुल फ्लक्स का मान कितना है, शून्य। फाई ई जो है वो नेट कितना है, जीरो वोल्ट इंटू कितना मीटर, या जीरो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कितना होता है कूलम। ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि इसके पहली बात तो इसके अंदर चार्ज ही है, अगर चार्ज नहीं है तो फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन में कितना होता है एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो होने का से कितना देगा ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। और वरना देखा जाए बॉडी सिमेट्री है, सिमेट्री जितना एंटर कर रहा है फ्लक्स उतना ही क्या निकल गया, बाहर निकल गया। जितना एंटर और उतना बाहर निकलने पर फ्लक्स नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। आने वाले फ्लक्स को अगर नेगेटिव मान लिया जाए और जाने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव माने तो पॉजिटिव बराबर नेगेटिव नेट कितना हो गया, जीरो हो चुका। अगला देखा जाए एक सममित वस्तु में, सममित वस्तु के एन फ्लक्स उपस्थित, सपोज करो एक सममित सिमेट्री बॉडी है, इसको मैं एक आप घन से समझ सकता हूं, घन से समझा सकता हूं। तो देखो हमारे पास कितना एक क्यूबॉइड घन ले लिया, सममित बॉडी है जिसके सेंटर पर क्यू आवेश स्थित है, तो इस घन के एक फलक से कितना निर्गत होगा। तो देखो इस घन ने इस आवेश को बंद कर दिया, सबसे पहले गाउस का नियम लगाने के लिए हमें उस चार्ज को बंद करना पड़ता है, मतलब बंद मतलब उसको पूरा ढकना पड़ेगा हमें, समझ में आगे क्या कहना चाहते हैं। तुम्हें ज्योमेट्री बुक्स के अंदर पेंसिल डाल दी तो पेंसिल छुप चुकी है, वो तुम्हें बाहर नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले हमने आवेश को घन के अंदर देखा कि वो चार्ज पूरा छुप चुका है, अगर ये चार्ज पूरा गायब हो गया, अंदर चला गया, उसके आयतन में चला गया, चले जाने के बाद इस पूरे निकाय का फलक्स कितना होगा, संपूर्ण घन का। तो संपूर्ण घन का कितना होगा, समेशन क्यू अपॉन में कितना होगा एप्सिलॉन नॉट, ये कितना होगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि घन में कितने फलक्स होते हैं, घन में कुछ छह फलक होते हैं, एक दो तीन चार और इधर वाला और सब सामने वाला, कुल छह फलक्स है। तो छह मतलब एक फलक से कितना होगा, तो वन फलक से बात करें तो वन फलक जो है इसको ढकने में अपना छठवां भाग योगदान कर रहा है, इसको ढकने के लिए कुल छह फलक चाहिए और एक फलक अपना कितना भाग साझेदारी कर रहा है इसमें, पूरा छठवां भाग कर रहा है। उसका मतलब कितना हो जाएगा, जो पूरा संपूर्ण घन है, संपूर्ण घन का कितना भाग हो जाएगा छह, तो कितना होगा क्यू अपॉन में सिक्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो उसका मतलब अगर एन फलक है तो उसका एनवा भाग एक फलक से निर्गत होगा। अब कह रहा है गाउसियन प्रश्न की आकृति जो होती है वस्तु के आवेश वितरण पर निर्भर करती है, कैसे, मेरी बात सुनना। अगर सपोज करो हमारे पास तार है, तार को बंद करने के लिए हमें बेलन का टाइप का गाउसियन प्रश्न लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तार को बंद करो तभी हम गाउस का नियम लगा सकते हैं। सपोज करो एक आवेश तार है तो गाउस का नियम कब लगेगा, तभी जो आवेश है वो उसके आयतन में होना चाहिए, तो बेलन के आयतन में होगा तभी तो बंद कर सकते हैं। अगर बात करें ठोस गोले पर उपस्थित आवेश है तो ठोस गोले को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बंद करना पड़ेगा। बंद करने का एक इलाज हम क्या करेंगे, इसे बड़ी त्रिज्या का क्या मिलेगी, एक गाउसियन पृष्ठ बना दिया ताकि चार्ज पूरा क्लोज हो जाए। उसके बाद मैंने मान ली समतल चदर बना ली, एक आवेश चदर है, इसको बंद करने को इलाज, बिल्कुल इसको बंद करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक ऐसा इधर भी घन रख दिया
और ये क्या कर दिया, उधर भी हमने क्या कर दिया, घन रख दिया। तो दोनों साइड घन रखने पर हमारे पास वो चार्ज की प्लेट जो थी कहता होगी बंद हो चुकी है। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड है। ये कह रहा है आपकी बुक का उदाहरण जो है 2.1 है। चलो शुरू करते हैं हमारे पास उदाहरण 2.1। उदाहरण 2.1 क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है गिवन में ई बराबर दे रखा है, ई बराबर दे रखा है 200 IK और 300 JK वोल्ट अपॉन में कितना, सॉरी वोल्ट इंटू कितना होता है मीटर, सॉरी वोल्ट अपॉन में मीटर होता है इसका। एरिया तो दे रखा है इसका, या पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश दे रखा है, वो कितना दे रखा है 5×10⁻³ JK और मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है उस बंद पृष्ठ निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान करो, सॉरी इस पृष्ठ निर्गत फ्लक्स का निकालना है। हमें क्या निकालना है, फाई ई निकालना है। आप जानते हैं बेटा फाई ई बराबर कितना होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको मैं एस मान लो चाहे ए मान लो, बात एक ही है। अब आपको क्या करना है बेटा, फाई ई निकालना है। ई निकालने के लिए 200 IK और 300 JK डॉट कितना हो जाएगा 5×10³ JK। इसमें बेटा आई केब जो है वो जीरो है। अब आपको वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट तो आपको आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं आता तो आप देख लीजिए, दो वेक्टर ले लिए मैंने, कितना दो वेक्टर लिए हमने, ए वेक्टर ये है x1 IK y1 JK और z1 KK। बी वेक्टर जो हमारे पास है वो है x2 IK y2 JK और z2 KK। तो जो हमारे पास एक राशि ले ली, तो मैंने मान ली कोई भी है, मान लेते वो क्या है x, सॉरी x नहीं, मैं मान लेता हूँ उसको कैपिटल ली, कैपिटल जो है वो कितना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिख देते हैं x1 IK y1 JK z1 KK डॉट कितना हो जाएगा x2 IK y2 JK z2 KK। गुणा करने में क्या होगा बेटा, IK की गुणा x1 x2 JK की गुणा का JK की गुणा। तो y1 इंटू कितना हो जाएगा y2 प्लस KK की गुणा का KK के गुणा से गुणा z1 इंटू कितना हो जाएगा z। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का केस होता है। तो यहां पर भी देखो डॉट प्रोडक्ट लगाया बेटा, IK की गुणा के साथ गुणा तो वो कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि IK की गुणा यहां पे कितना है जीरो। तो पहला हमारे पास कितना हो जाएगा फाइव ई बराबर जीरो। दूसरा टर्म देखा जाए JK का JK के साथ, तो JK का JK करेंगे तो कितना आएगा 300×5×10⁻³। और KK भी यहां भी नहीं है, KK यहां भी नहीं है, तो कितना होगा ऑलरेडी जीरो। सॉल्व कर लेते हैं, फाइव फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा 15×10⁻¹। और इसको सॉल्व करें तो कितना देगा 1.5 या देगा वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इस प्रश्न का फ्लक्स आ चुका है। कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम द्वारा गाउस के नियम का सत्यापन। सबसे पहले हमारा टॉपिक दे लेते बेटा, कल का जो टॉपिक है तो गाउस से पहले ही पूछा गया था आपको, कैसे पता समेशन के ऊपर एप्सिलॉन होगा। तो गाउस ने कहा भाई साहब रुक जाओ, बताता हूँ ऐसे क्या कर रहे हो। तो गाउस ने कैसे इस चीज को बताया, कैसे इस नियम को प्रूफ किया, कल हम वो पढ़ेंगे। दूसरी चीज पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, सतत आवेश वितरण और गाउस के नियम की कुछ आंकिक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर से कहता हूं इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा, आप दोबारा से जाकर इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखें। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गाउस का नियम इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा लेसन नंबर 2 के अंदर। जय हिंद, जय भारत।